प्रणाम। आमतौर पर तो मेरे पास जब भी आपके प्रश्न आते हैं तो केवल इस चीज के लिए आते हैं कि आप पूछते हैं कि मुझे जीवन में ये चाहिए, मुझे जीवन में ये क्या ये चाहिए, क्या मुझे मिलेगा या नहीं। और मैं अक्सर आपकी इच्छाओं, आपके प्रश्नों, इन्हीं का जवाब देता रहता हूँ। लेकिन आज प्रश्न आपको लेकर नहीं, आज प्रश्न मुझे लेकर आया है। किसी भैरव ने ये प्रश्न भेजा है कि क्या आप दुखी हैं, क्या आप मन से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्यों आप दर्द भरी कविताएं लिखते हैं या कभी कभी बहुत उदासी भरी कविताओं का पाठ करने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रस्तुत करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा मेरी आंखों में देखिए, ऐसे गौर से बड़ी आंखों में, क्या आपको लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, सीमा से उस पार? एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो आपका धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने कम से कम मुझको लेकर प्रश्न पूछा, अपने आप को लेकर नहीं। तो मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ कि कम से कम मेरे बारे में प्रश्न पूछने की आपकी इच्छा हुई। ये आपका प्रेम है और मैं इसके लिए धन्यवादी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं एक योगी हूँ। आमतौर पर मेरा अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहता है एक योगी होने के नाते। लेकिन योगी होने के साथ साथ मैं कुलांतक संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक योगी हूँ और मैंने अपने गुरुओं से समस्त विद्याओं को सीखा। उन्हीं विद्याओं में कुछ कलाएं आती हैं। अब मैं सारी कलाओं का नाम लेके उन्हें रहस्योद्घाटित तो अभी नहीं करूँगा, लेकिन आपको ज़रूर बताऊँगा उन्हीं कलाओं के मध्य में महाविद्याएँ भी आती हैं। महाविद्याओं में से कुछ महाविद्याएँ कवित्व से जुड़ी हैं, कुछ आपके हृदय चक्र से जुड़ी हैं। इसलिए मैं अपने आप में एक ऐसा योगी हूँ कि यदि आप मेरी आलोचना करना चाहें तो बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि मैं विशुद्ध रूप से योग की परंपराओं पर अपने आप को स्थित नहीं रखता। तो कुछ तंत्र मतीय प्रणालियां हैं जहां हम महाविद्याओं की साधना करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक महाविद्या तारा का मैं नाम लेता हूं। अब तारा महाविद्या अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य महाविद्या है। इनकी साधना करने भर से कवित्व की शक्ति प्राप्त होने लगती है और जीवन में भी आपको बहुत कुछ मिलता है और आपकी दृष्टि बदल जाती है। अब जैसे देखिए, ये क्या है, मेहंदी है या फंगस है, लेकिन यहाँ चारों तरफ ये इस जंगल में बिखरा हुआ है। अभी कुछ भी हो, घास, लेकिन इसका सौंदर्य मुझे अलग तरह से अपनी ओर लुभाता है, जैसे शायद किसी और को ना लुभाए। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय के अंदर की जो भावनाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो बहुत बदल चुकी हैं। मेरी भावनाएं बहुत वेग से बहती है, प्रचंड वेग से। इसलिए शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब मैं रोता हूँ तो फूट फूट कर रोता हूँ और घंटों रो सकता हूँ, और जब मैं प्रसन्न हूँ तो मेरी प्रसन्नता का कोई अंत आपको दिखाई नहीं देगा। भावनाओं में इस तरह से एक योगी कभी नहीं बह सकता, क्योंकि चित्त वृत्ति निरोधश्च सहयोग समत्वम योग उच्चते। किसी भी तरीके से आप योग को देखें तो आप अपने आप को एक मध्य स्थिति में पाएंगे जहां ये सब चीजें आपको कतई प्रभावित करने वाली हैं नहीं। तो फिर, लेकिन तंत्र ने इन साधनाओं को आपको दिया है और हमें दिया है। क्यों? इस जीवन को अनुभव करने के लिए कि कितना सुंदर ये मौसम है, कितना सुंदर ये नजारा है, कितना सुंदर ये वन प्रदेश है, कितना सुंदर ये देश है, कितनी सुंदर ये पृथ्वी है, कितना सुंदर ये जीवन है। तो एक एक चीज को आप शीर्षस्थ होकर अनुभव कर सकते हैं। हालांकि योग में भी ऐसा होता है, जब योगी उसकी इंद्रियां अतिंद्रिय हो जाती हैं तो वो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से अनुभव करने लगता है कि आसपास की हवाओं में क्या है, आसपास में क्या अनुभव कर सकता हूं अपनी त्वचा पर, आंखें बंद करके मैं क्या देख सकता हूं, इस संसार में मुझे क्या नजर आ रहा है, मेरे भीतर के चक्र मुझे क्या दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपने इंद्रियों के चरम पर जीता है, वैसे ही वो अपने हृदय के चरम पर जीता है। उसका हृदय उसे बताता है कि तुम्हें कुछ अद्भुत अनुभव हो रहा है, उसे भीतर उतार लो, और ये जो अद्भुत है ये वास्तव में अद्भुत है। इसे मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, क्योंकि मेरे पास भी कोई सही और सरल उपाय नहीं।
इसको तुम समझ सकते हो जब तुम्हारी चेतना उस तरह की हो जाए कि तुम इन तत्वों को गहराई से समझने लग जाओ। इसलिए हाँ मैं दुखी होता, हाँ मेरे भीतर भी दुख है, हाँ मेरे भीतर भी प्रेम है, आनंद है, क्रोध है, श्रृंगार है, नृत्य है, रास है, रंग है, माधुर्य है, ममता है, आकर्षण है, वियोग है। मैं हर एक भाव के चरमोत्कर्ष पर जीता हूं। समझते हो क्यों? क्योंकि तंत्र में कुछ ऐसी महाविद्याएं हैं जो तुम्हारे जानने में नहीं आती। तुम उनका नाम तो जानते हो, उनका मंत्र तो जानते हो, उनसे किस प्रकार काम लेना है ये भी जानते हो, अपनी इच्छा पूर्ति कैसे करनी है ये भी जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे उन्हें अपने रोम रोम में बसा लो, कैसे उनकी ऊर्जा से एकाकार हो जाओ और कैसे अपने जीवन के रंग रूप को ही बदल डालो। इसलिए जरूरी है कि तुम महाविद्याओं का अध्ययन करो। हाँ, इसलिए मैं दुखी हूं, हृदय में पीड़ा है। और एक और बात बता दूं, अधिकांश तौर पर इस पृथ्वी के जो मनुष्य है ना, दुख से डरते हैं, पीड़ा नहीं चाहते, कष्ट नहीं चाहते। लेकिन मेरा इस तरह का कोई मंतव्य कभी नहीं रहता। मैं तो चाहता हूं कि यदि पीड़ा भी है तो परमात्मा मुझे वो पीड़ा प्रदान करे, यदि सुख भी है तो परमात्मा उसे मुझे प्रदान करे, मैं उसे ग्रहण करने को तैयार हूं। क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी आलोचना होगी, क्योंकि जब तक मेरा अस्तित्व है तब तक लोग मेरे अस्तित्व को देखने की कोशिश करेंगे, मेरे अस्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे। और जब तक मेरा अस्तित्व है मैं सुख दुख क्रोध और समस्त भावनाओं को इच्छाओं को महसूस कर पाऊंगा। जिस दिन ये तन चला गया उस दिन मेरे तन को कुछ अनुभव होने वाला नहीं। जिस दिन जीव इस देह को छोड़ जाएगा फिर काहे का सुख, काहे का दुख, काहे का राग, काहे का द्वेष। इसलिए मुझे समझना एक आम व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सिद्ध हैं, जो अध्यात्म को जानते हैं, वो मेरी मस्ती को भी जानते हैं। क्यों मैं इस तरह का अल्हड़ हूं? तभी तो मैं जोगी हूं ना, तभी तो मैं वनों वनों घूम सकता हूं, देश दुनिया घूम सकता हूं, जंगल में भी खुश हूं और शहर में भी खुश हूं, सर्वत्र दुख से भी मुझे बुरा नहीं लगता और सुख से भी नहीं। और मेरी समस्त कविताएं मैंने प्रेयसी पर लिखी। आप जानते हैं कि मैं बहुत सारी कविताएं परमात्मा पर भी लिखता हूं, लेकिन अभी प्रस्तुत नहीं करूंगा, अभी लाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैं करता हूं वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जीवन में फिर प्रेमिका उतरेगी नहीं, क्योंकि आप तो देखेंगे कि एक महायोगी है, हिमालय पर बैठता है, भूखे प्यासे रहकर वहीं रह रहा है, और हमें उसके पीछे उसके पथ पर चलना है। तो आप भी मेरे जैसे हो जाओगे, संसार से विद्रोही, बगावती, आपके तेवर खतरनाक होंगे और आप अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति एकटक दृढ़ निश्चय होकर उस पथ पर निकल जाओगे। फिर इतना सुंदर ये संसार, इतनी बड़ी ये पृथ्वी, कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं, किसके लिए? आपके लिए तो हैं। इतनी सारी बोली, भाषाएं, रंग, कपड़े, स्वादिष्ट भोजन किसके लिए हैं? आपके लिए ही तो है। इसलिए आपको मैं अवसर देना चाहता हूं प्रेम करने के लिए। इसलिए मैं आपको अवसर देना चाहता हूं, यदि आप स्त्री हैं तो एक सुंदर पुरुष अपने लिए ढूंढिए, एक जीवन साथी, और उसके साथ जीवन को आगे ले जाइए। ऋषियों की भांति संतान उत्पन्न कीजिए, जो नित्य योगासन, प्राणायाम, ध्यान, वैदिक ऋचाओं का पाठ, गायन और प्राकृतिक भोजन इत्यादि करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो इस पृथ्वी को स्वर्ग बना देने की कामनाओं से भरे हुए हैं। आप जानते हैं कितना सुंदर है ये सब। इसलिए मैं प्रेरणा देना चाहता हूं, हृदय में यदि पीड़ा भी है तो उसे व्यक्त अवश्य करना। तो महाविद्याओं ने मुझे वो पीड़ा दी है, महाविद्याओं ने मुझे वो ज्ञान दिया है, और मैं उसका प्रयोग करके बहुत सी चीजों का निर्माण करता हूं। लेकिन समय की कमी मेरे पास भी रहती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय तेजी से निकल रहा है। वैसे तो समय कुछ होता नहीं, जब आप काल चक्र के ऊपर बैठ जाते हो और उसके नियंता पुरुष बन जाते हो, तो फिर क्या काल, फिर क्या आपका काल कर पाएगा। लेकिन फिर भी ये काल और ये विधि का विधान आपको ऐसे ऐसे दिन दिखाता है कि आप यकीन कर ही नहीं पाओगे। लेकिन स्वीकारो, आपको यदि राजा नृप कारागार में रखे तब भी आपको प्रसन्न रहना है, क्योंकि आप हो ना। यदि आप शाही महलों में भी रहें तो भी प्रसन्न रहो, क्योंकि परमात्मा ने आपको वो अवसर दिया है ना। इसलिए जीवन की समग्रता को समझने के लिए आपको महाविद्याओं से जुड़ना होगा, जीवन की इस चेतना को समझना होगा, और ये महाविद्याओं से जुड़ी। इसलिए मैं एक अलग योगी हूँ, तभी तो मैं अपने आप को
सिद्ध योगी कहता हूँ, सिद्ध पंथ का, कौलकुल का, कौलांतक पीठ का एक योगी कहता हूँ, क्योंकि वहां से मुझे ये शिक्षा मिली और मैंने इसे अपने जीवन में उतारा, इसे अनुभव किया और पाया कि वास्तव में मुझे किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या होना चाहिए, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि मुझे क्या होना चाहिए, मैं क्या हूँ, और मेरे गुरु ने मुझे वो रास्ता दिया है और मेरे गुरुमंडल की प्रेरणा मेरे पीछे है, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ एक पंछी की तरह, इसलिए मैं प्रेम के गीत गा सकता हूँ, इसलिए कभी कभी तुम जब मेरे हृदय में आते हो तो पीड़ा भी होती, इसलिए मैं तुम्हारी याद में गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, तुम्हारी पीड़ाओं को अनुभव कर सकता, इसलिए मैं अपनी भावनाओं के चरमोत्कर्ष पर जीने वाला एक अनूठा योगी हूँ, इसलिए आपको जब मेरी कविताएं सुनने को मिलती हैं तो आपको उदासी होती होगी, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप उदास ना होना, क्योंकि ये मेरा जीवन है, सुख से भरा, दुख से भरा, यदि ये दुख हट जाएंगे और यदि ये सुख हट जाएंगे तो जीवन रहेगा कहाँ, यदि आप ये प्रश्न मुझसे ना करोगे तो फिर मैं उत्तर दूंगा किसे, तो आपका और मेरा ये जीवन है, ये कहानी, ये मिलन आपका और मेरा है, आप मुझे जब सुनते हो ना तब आप मुझसे जुड़ गए, जब मैं आपको देखता हूं ना तब मैं आपसे जुड़ गया, तो ये चीजें मुझे महाविद्याओं ने दी है, महाविद्याओं की वजह से मैं ऐसा सोच समझ पाता, तो आप भी ये सब महसूस कर सकें ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सूर्य बिल्कुल चेहरे पे है, बिल्कुल, तो आप भी महाविद्याओं के बारे में जानें, और मैं आपको जाने से पहले ये बता देता हूँ कि 10 महाविद्याओं में तारा महाविद्या बेहद बेहद अनिवार्य महाविद्या है, इसके साथ बहुत सी भ्रांति और भ्रम भी जुड़े हैं, लेकिन आपको क्या, हंसा तो मोती चुगे, तो आपको केवल अच्छी चीजें वहां से उठानी है और अपने जीवन में लानी है, आप धन्य हो जो कम से कम दूसरों की पीड़ा को समझ सकते हो, तो प्रकृति आपको समझ सकती, तो माँ तारा की साधना में जुट जाइए और 10 महाविद्याओं की साधना में जुट जाइए, जितनी बार हो सके गुरु से दीक्षा लीजिए, जितनी पंथों से हो सके दीक्षा लीजिए, जितनी परंपराओं से हो सके दीक्षा लीजिए, ये आपको बदल कर रख देगी और जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए मेरे सुख दुख इस पर मत जाना, मैं कुशल हूँ, अपना ख्याल रखना और प्रेम के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।